शहर में लगातार हुई बारिश के चलते कुछ वार्डों में जलभराव की स्थिति निर्मित हो गई। वहीं शंकरनगर वार्ड इस बार भी निगम प्रशासन की लाख सहूलियत का बखान किए जाने के बाद भी लोगों के घरों में घुसा पानी, वार्ड की सड़कों में घुटने तक भरा पानी दिखाई दिया। लगातार बारिश से दुर्ग शंकर नगर की स्थिति बद से बदतर हो गई है। शनिवार की सुबह लगातार हुई 3 घंटे की बारिश से शहर तरबतर सा हो गया। शहर के अधिकांश इलाकों में जलभराव की स्थिति निर्मित हुई। वहीं दुर्ग शहर नगर वार्ड की स्थिति इस बार भी नगर निगम की लाख सहूलियत किए जाने का बखान के बाद भी धरातल में स्थिति बद से बदतर नजर आई। पूरा इलाका पानी पानी हो गया, यहाँ तक कि लोगों के घरों में भी बारिश और नाली का पानी घुस गया। हालात ये रहे कि लोगों के घुटनों तक पानी भर गया और उन्हीं हालातों में लोग घर से निकलकर काम करने को मजबूर रहे। गौरतलब है कि लगातार हुई बारिश ने नगर निगम की पोल खोल कर रख दी है। हम आपको बता दें कि बारिश के पूर्व शहर के प्रमुख नाला खासकर शंकर नाले की सफाई एवं चौड़ीकरण का दावा निगम द्वारा किया गया था, लेकिन महज 3 घंटे की बारिश ने ही निगम के दावों की पोल खोल कर रख दी है। शंकर नगर की स्थिति अब ऐसी है कि घर के अंदर और बाहर दोनों जगह पानी ही पानी है। ऐसे में वहां के रहवासी जाएं तो आखिर जाएं कहां? इसको लेकर शंकर नगर के पार्षद चंद्रशेखर का कहना है कि समय रहते यदि नाली का चौड़ीकरण कर दिया जाता तो जल भराव की स्थिति निर्मित ही नहीं होती। इस संबंध में मीडिया के समक्ष वार्ड पार्षद चंद्रशेखर ने अपनी प्रतिक्रिया दी। आज ये शंकर नगर दुर्गा चौक का नज़ारा है, क्योंकि नाला निर्माण कार्य कंप्लीट नहीं हुआ है, इसके चलते ये बाढ़ की स्थिति शंकर नगर दुर्गा चौक में उत्पन्न हुई है और साई मंदिर और सद्भावना चौक में भी इसी प्रकार का जल भराव का नज़ारा है। और ये शंकर नगर दुर्गा चौक का जो पुलिया के पास का निर्माण कार्य नहीं हुआ है, उसके कारण से ये बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो रही है। और मेरा कहना है कि दुर्गा चौक के पुलिया को भी तोड़ के पुनर्निर्माण किया जाए, जिससे नाला पुलिया और चौड़ा हो जाए और पानी जो है स्पीड से निकले और अन्य गलियों में ना भरे। ये ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 2.5 घंटे के बारिश में इस तरह का पानी भरा है, मतलब जो पहले स्थिति रहती थी वर्तमान स्थिति में भी वही स्थिति है और कोई सुधार नहीं हो पाया है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।